हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, हिंद भारत न्यूज में आपका बहुत स्वागत और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। कानपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। इसमें एक पुलिसकर्मी गोद में बच्ची को लिए हुए व्यक्ति को बुरी तरह लाठी से पीट रहा है। वीडियो में व्यक्ति गिड़गिड़ाते हुए कह रहा है कि बच्चे को लग जाएगी साहब। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस का काफी विरोध हो रहा है। वहीं पुलिस ने भी मामले में लाठीबाज दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है और मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल गुरुवार को कानपुर देहात के थाना अकबरपुर क्षेत्र में स्थित जिला अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रजनीश शुक्ला के नेतृत्व में 100-150 लोग अव्यवस्थाओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने अस्पताल की ओपीडी को भी बंद कर दिया था। धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, जहां इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कहासुनी हो गई। इसके बाद थाने से अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचवाया गया। इसी बीच प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। इस घटना पर पुलिस का कहना है कि रजनीश शुक्ला के नेतृत्व में प्रदर्शनकारी अस्पताल में कर्मचारियों और मरीजों को परेशान कर रहे थे। वहीं घटना के बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। पुलिस का कहना है कि उन्होंने चौकी इंचार्ज और कुछ सिपाहियों को एक कमरे में बंद कर दिया और अभद्रता का प्रयास किया। इस पर थाना अध्यक्ष अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पहुंचे और समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद रजनी शुक्ला ने और उग्र होते हुए थाना अध्यक्ष का अंगूठा दांत से काट लिया और पुलिस के मुताबिक अस्पताल में अराजकता का माहौल पैदा हो गया था। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हल्का पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया। वीडियो में पुलिस की लाठी से बच रहा व्यक्ति रजनीश शुक्ला का भाई है। वो भीड़ को उकसाने का काम कर रहा था और रोकने पर पुलिस से अभद्रता भी कर रहा था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हिंद भारत न्यूज के साथ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।